जबकि राज ठाकुर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। भोला भी तो ठाकुर के कमरे में खत देने के लिए गया था, परंतु खत देके वो तुरंत ही वहां से चले गए थे। माफ करो भोला काका को और मुद्दे की बात पर आओ। 9 बजे से पहले तो डॉक्टर पुरी ठाकुर के कमरे से निकल भी चुके थे। अरे हाँ, जब वो जा रहे थे तो उसी दौरान उनकी टक्कर एक अजनबी से भी हुई थी और वो अजनबी मिस्टर ठाकुर के घर का पता भी पूछ रहा था, पर उस अजनबी ने अपना चेहरा ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। रुको, वो तो अपनी माँ से मिलने गया था, तो फिर उसने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ था? क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी। अब तो यहाँ भी बारिश हो गई है, लो गई मेरी मूवी पानी में, अब तो वो टला ही लो। ठीक है, तो अब हम लोग सीक्रेटली अपने अपने मत देंगे। दूसरी वोटिंग के अनुसार 6 वोट करण के खिलाफ है, 5 डॉक्टर पुरी और 3 अजनबी। सबसे ज्यादा वोट तो अभी भी करण के ही खिलाफ है। शव की सुई अभी भी करण की ओर ही टिकी हुई है। कातिल अगर करण होता तो डॉक्टर पुरी को कैसे पता कि कत्ल के बाद राज ठाकुर के कमरे की खिड़की खुली हुई है, जबकि खिड़की पर तो पर्दा था। खिड़की के बाहर पैरों के निशान करण के थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जूते डॉक्टर पुरी के बैग में ही बरामद हुए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वो जूते डॉक्टर ने इस्तेमाल किए हो। इससे तो सब फिर से डॉक्टर पुरी की तरफ ही जाता है। शक अभी भी करण की तरफ ही है, क्योंकि उसी ने स्टेशन से डॉक्टर को कॉल किया था। हो सकता है वो अपने पिता के कत्ल के बाद भागने की तैयारी में हो। अगर फोन करण का था तो डॉक्टर पुरी ने झूठ क्यों बोला कि फोन भोला का था? और डॉक्टर पुरी को पता कैसे चला कि राज ठाकुर का कत्ल हो चुका है? क्योंकि डॉक्टर पुरी ही कातिल है। बात तो बिल्कुल पते की है, सारी फसाद की जड़ डॉक्टर पुरी है। अब इसमें आगे क्या बात करनी है? अच्छा, तो वो लोग हाथ उठाए जिन्हें लगता है कि कातिल डॉक्टर पुरी है और करण। आप दोनों का पक्ष क्या है? देखिए, अभी हम किसी के भी पक्ष में नहीं हैं। ये क्या बात है? आपको किसी एक का पक्ष लेना होगा। आप शांत हो जाइए। चाहते थे कि किसी और को पता चले कि वो किसी से ब्लैकमेल हुए। और उसी तरफ डॉक्टर पुरी को पता था कि अगर राज ठाकुर ने एक खत पढ़ लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि डॉक्टर पुरी ही ब्लैकमेल है। राज ठाकुर ने डॉक्टर पुरी को कमरे से बाहर जाने को कहा और तकरीबन 9 बजे के करीब डॉक्टर पुरी कमरे से बाहर आए, जब उन्होंने सबको कमरे में जाने से मना किया क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि राज ठाकुर का कत्ल हो चुका है। उसके बाद वो घर से उतरे जहाँ पर उन्होंने करण के जूते पहने। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उस रात बारिश हो रही है और जब वो पीछे के रास्ते से जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी उनके जूतों में लगेगी और जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाएंगे वो निशान खिड़की पर आ जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल वही किया, वो उतरे, करण के जूते पहने, पीछे के रास्ते से गए, खिड़की से चढ़े जहाँ पर वो जूते के निशान बने और तब डॉक्टर पुरी और राज ठाकुर के बीच में फिर एक बार बातचीत हुई। इस दौरान राज ठाकुर को पता चल चुका था कि ब्लैकमेलर और कोई नहीं, सिर्फ डॉक्टर पुरी है। और यही बातचीत मुलाकाका ने की ओल से भी सुनी। उसके बाद डॉक्टर पुरी ने राज ठाकुर का कत्ल किया, वापस खिड़की के रास्ते से गए और ले जाके अपने जूते पहनकर अपने घर की तरफ गए। इसी बीच उन्हें 10 मिनट लगे। और हाँ, एक और बात, करण का शहर से बाहर जाना और वो फोन कॉल जो डॉक्टर पुरी ने भोला काका का कहा था, दरअसल वो फोन कॉल भोला काका का नहीं करण का ही था, ये बताने के लिए कि वो स्टेशन पहुंच चुका है और कुछ ही देर में स्टेशन से शहर जाने वाला है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी और किसी शक की गुंजाइश है। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर पुरी का आप इन सब बातों पर एक बार दोबारा गौर करें और सोचें कि आपके एक बोल के कारण एक मासूम लड़के की जिंदगी बदल सकती है। आप एक बार दोबारा सोचिए। ठीक है, मेरा फाइनल वोट भी डॉक्टर पुरी को जाता है। सभी की सहमति के अनुसार डॉक्टर पुरी ही कातिल है। केस सॉल्व।